शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अच्छा, तो तुम यही कहीं छुपे हुए हो। ठीक है, अगर तुम अभी के अभी बाहर नहीं आए तो मैं चली जाऊंगी। हाँ रुक जाओ अंजलि, मत जाओ अंजलि, प्लीज मत जाओ। हाँ क्यों रुकूं? इस तरह छुप छुप कर किसी को परेशान करना, क्या ये शराफत है देव? बिल्कुल नहीं। और इस कदर किसी को इंतजार करवाना, क्या ये शराफत है मेम साहब? नहीं, लेकिन मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। पर मेरी प्रॉब्लम्स तुम क्या समझो? महलों की शहजादी और उलझने, ये तो हम जैसे गलियों में बसने वालों की किस्मत है मेम साहब। हाँ, शुरू हो गए। हर वक्त अपनी किस्मत पर रोते रहते हो। जानते हो, जो अपनी किस्मत पे रोते हैं, एक दिन उनकी किस्मत भी उन पे रोने लगती है। मेरी किस्मत मुझ पे क्या रोएगी? तुम्हारी मोहब्बत जो मेरे साथ है। बस यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब देव, मेरी शादी तय हो गई है। क्या क्या कह रही हो तुम? पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। बहुत रईस है वो लोग, धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ है उन लोगों के पास। जानते हो, पापा ने पूरा राजकुमार ढूंढा है मेरे लिए। फिर इस भिखारी के साथ क्या कर रही हो तुम यहाँ?
मैं अपना फैसला सुनाने आई थी। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिल सकते। मैं जा रही हूँ देव। अंजलि, हे अंजलि, कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ? तुम डर गए? तुम डर गए? तुम डर गए? अंजलि, ये क्यों हंस रही हो तुम? और नहीं तो क्या, मैं मजाक कर रही थी और तुम सीरियसली ले रहे हो। I was just joking. अंजलि, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? अच्छा, तो फिर कैसा मजाक पसंद है आपको? अंजलि, और कोई भी मजाक कर लो, लेकिन अपने से बिछड़ने की बात मजाक में भी मत करना। देखो 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 मेरा दिल कैसे धड़क रहा, देखो। उफ देव, हर बात को कितनी गहराई से लेते हो तुम। अगर किसी दिन ये मजाक सच निकला तो हस्ती मिटा दूंगा। हाँ, किसकी? मेरी? अरे नहीं, तुम पर तो आज भी नहीं आने दूंगा, खुद मर जाऊंगा। मोहब्बत के दावे करते हो और फिर मरने की बातें करते हो, बात में दम नहीं है। कौन साला मरता है? कौन साला मरता है? और अगर मर भी गया अंजलि, और अगर मर भी गया मेम साहब, तो हमेशा के लिए धड़कूंगा तुम्हारे सीने में, तुम्हारी धड़कन बनकर। इतनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे देव? मुझसे क्या पूछ रहे हो अंजलि, अपनी धड़कन से पूछो। और जानती हो तुम्हारी हर धड़कन क्या कहेगी? क्या कहेगी? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो। रहते हो, रहते हो। अच्छा देव, तुम कहते हो कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, है ना? तो कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? बोलो। दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ। दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो उनसे प्यार हुआ। धीरे से वो पास आए, चुपके से इजहार हुआ। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। अपना किसी से डरना है, संग जीना मरना है। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो।
मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। आखिर ऐसा क्या है मुझ में, क्या है मुझ में? दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। सपनों में खो जाओ तुम, दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। रहते हो, रहते हो। हे, क्या मैं ही कहता रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कहोगी? रहते हो सच, कहते हो, कहते हो। सपनों में खो जाओ तुम, दिल की धड़कन में। उफ देव, बहुत हो गया, बंद भी करो मेरी तारीफ। रहते हो, बस तुम रहते हो। ओके अंजलि, कल ठीक 12 बजे। अब इंतजार मत करवाना यार, प्लीज। बाय देव। आज फिर दरवाजे से ही लौटा दोगे, माँ से नहीं मिलाओगे? मिलाऊंगा, फिर कभी नहीं। मैं आज ही माँ से मिलकर रहूंगी, बस। जिद है तुम्हारी? बिल्कुल। चलो। रियली देव, आई एम सो एक्साइटेड, सच। चलो। मैम साहब, ये रहा अपना घर, आपकी गाड़ी से भी छोटा है। उफ देव, घर बड़ा हो या छोटा क्या फर्क पड़ता है, दिल बड़ा होना चाहिए, क्यों? अच्छा अच्छा, तो वो रहा दरवाजा, जाओ मिल लो। ए, पर तुम कहाँ चले? मिलना आपको था मैम साहब, जाओ मिल लो। देव, देव। माँ जी, मैं
मैं कौन है? कौन है? माँ, माँ जी, मैं वो देव। एक मिनट, हाँ मैं बताती हूँ, अंजलि। हाँ, यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आओ। हाँ आओ, इधर आओ। हाँ हाँ, यहाँ बैठो। हाँ हाँ, इतने दूर क्यों हो? करीब आओ। हाँ, कितनी खूबसूरत हो तुम अंजलि। आपसे कम। लेकिन आपने मुझे इतनी जल्दी पहचान कैसे लिया? मैं नहीं पहचानूंगी, हमेशा जो देव की आंखों में देखती रहती हूँ। क्या देव ने मेरे बारे में आपसे सब कुछ बता दिया है? कहाँ बात करता है वो मुझसे, तुम्हारे अलावा किसी और से बात करता ही कहाँ है। लेकिन मैं भी तो माँ हूँ, अपनी औलाद की हर धड़कन को जानती हूँ, और उसकी हर धड़कन में बस सिर्फ एक ही नाम है, अंजलि। ये देव कहाँ चला गया? कमाल है ना माँ, अकेले ही भेज दिया मुझे आपसे मिलने के लिए। हर वक्त नाराज रहता है ये देव। देव इतना नाराज क्यों रहता है माँ? मुझसे नाराज है। आपसे क्यों? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, और फिर तुमसे कुछ छुपाना चाहिए भी तो नहीं ना। जो जिंदगी भर के संबंध होते हैं, वो किसी दबे हुए राज की बुनियाद पर खड़े नहीं किए जा सकते। मैं बिन ब्याही माँ हूं अंजलि, और मेरी जिंदगी का ये दाग मेरी औलाद के सीने का नासूर बन गया है। वो कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन ये जख्म उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हूं अंजलि, मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी, लेकिन हुआ ये कि दगा किसी ने दिया और सजा किसी को मिली। जानती हो, दुनिया मेरी औलाद को नाजायज बुलाती है, और अब तो उसका अपना दिल भी उसे नाजायज बुलाने लगा है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मोहब्बत कभी नाजायज नहीं होती? शायद तुम अंजलि, तुम उसे ये सब समझा सको, उसका हर जख्म भर सको, उसका दाग मिटा सको। उससे वादा करो अंजलि, तुम हमेशा उसका साथ निभाओगी। वादा करो, वादा करो अंजलि। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा देव का साथ निभाऊंगी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी उसे, मैं वादा करती हूँ। उन्होंने इतनी खातिर की मेरी चांदनी, क्या मैं तुमसे क्या कहूँ? अच्छा भाई, मैंने उनसे कहा कि मैं तो खाना वाना खाकर आया हूँ, फिर भी जिद करते रहे कि नहीं खाओ, खाना ही पड़ेगा। मैंने फिर हाय मामा। हाय प्रिंसेस। इस बार लंदन से बहुत जल्द लौट आए। लंदन से दिल्ली गए थे, दिल्ली से आ रहे। दिल्ली से? हाँ। तो आपने मुझे एक फोन क्यों नहीं किया? मैं एयरपोर्ट आ जाती आपको लेके। इट्स ओके, तुम्हें फुर्सत मिलेगी तब ना। मामा कहाँ थी सुबह से तू? देखा पापा, मामा को तो अपनी बेटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मामा को हो या ना हो, पापा को तो है। पापा अब देखना ये है कि हमारी बेटी को हम पर कितना भरोसा है। आपको कोई शक है पापा? नहीं, बिल्कुल शक नहीं है।
इसीलिए तो आपकी जिंदगी का इतना अहम फैसला आपसे पूछे बगैर कराए हैं। कैसा फैसला? बता दो। बताइए ना। आप जानती हैं हम दिल्ली क्यों गए थे? क्यों? आपका ब्याह तय करने। मेरा ब्याह? हाँ, या मैरिज? आपका ब्याह? मैं बहुत खुश हूँ अंजलि। मैं बहुत खुश हूँ। शर्मा गई। चांदी, लड़का बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, आदर्शवादी है, खानदानी है, बहुत अच्छा लड़का है वो। सच? पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती पापा। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने किसी और से वादा किया है। कौन है वो? कौन है? उफ देव, क्या पागलों की तरह हंस रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है और वो आज ही तुमसे मिलना चाहते हैं। और जानती हो आपके पापा मुझसे मिलकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? लात मारकर मुझे अपने महल से बाहर निकाल देंगे। मेरे पापा कोई जंगली नहीं है, समझे? और तुम भी जंगली बनकर मेरे घर मत आ जाना। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, और ये चप्पल तो बिल्कुल ही नहीं, और मुंह पर ताला लगवा कर आना, और फिर बड़ी नरमी से पापा से मेरा हाथ मांगना। क्यों? क्यों मांगू मैं तुम्हें किसी से? अगर मैं चाहूँ उड़ा कर ले जा सकता हूँ। ए मिस्टर एरोगेंट, मैं कहीं उड़ने उड़ने वाली नहीं तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरे घर आकर बाकायदा मेरा हाथ मांग कर जाना पड़ेगा। और सुनो, मुझे बहुत देर हो रही है, ठीक वक्त पर आना, 5 बजे, बिल्कुल लेट मत होना, वरना पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। डोंट बी लेट, हाँ? पापा नाराज हो जाएंगे। ओके बाय। हाँ, और वक्त पे आना, वरना वक्त निकल जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातर में है। पापा, दिस इज देव। देव, दिस इज माई फादर। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बेटा बैठो जी। आओ बैठो, यहां बैठो। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, देव बेचारी चलते चलते घिस गई। देव, थैंक्स अंजलि। दरअसल अंजलि चाहती थी कि मैं आपके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, मुंह पर ताला लगा कर आऊं। डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे आप? जो मैं हूं सो हूं। वैसे तुम हो क्या? कोई खास नहीं, एक मामूली आदमी हूं जो आपकी बेटी को दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। लेकिन आपकी बेटी भी जिससे मोहब्बत करे वो इतना मामूली इंसान तो नहीं रहता। कुछ नहीं अपने पास, न धन दौलत, न खानदान, बस एक चीज है जो इस वक्त आपके पास है, वही मांगने आया हूं। और अगर मैं ना दूं तो? तो छीन के ले जाऊंगा। हाँ? जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो, लेकिन अब एहसास हुआ कि तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो, जिसे ना अपने गुजरे हुए कल का पता है और ना आने वाले कल का। अंजलि, ये है तुम्हारी पसंद? तो तुम्हें दो वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, जो अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए तुम्हारे बाप के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज रहेगा। ये है इसकी औकात। आपकी औकात क्या है?
आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए, किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन है, मैं या आप? रईस कौन हुआ, आप या मैं? Get out. पापा, देव. Out. देव, तुम चलो. Get out. देव, out. चलो. Out of my house and out of my child's life. ये तुमने क्या किया देव? तुम्हारा पाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा अंजलि। तुम अभी चलो मेरे साथ। नहीं। क्यों? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी देव। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। वादा? हाँ, तुम जाओ देव, तुम जाओ। वादा, वादा, वादा करो अंजलि। मैं वादा करती हूँ, मैं आऊंगी, तुम जाओ। मेरे हाथ में बंदूक को देखकर चौंके अंजलि। डरो नहीं, इसका इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है, हो ही नहीं सकता। बंदूक तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो आज तक तुम्हारी तरफ उंगली तक नहीं उठाई। दुनिया में शायद ही ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को जख्म देना चाहेंगे, लेकिन न जाने कितनी ऐसी अनगिनत औलादें हैं जो अपने मां बाप का सीना जख्मों से छलनी कर डालती हैं और उफ तक नहीं करती, जैसे कि आज तुम करना चाहती हो। जानती हो बेटी, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तो तुम्हारी मां को कुछ तकलीफें हो गई थी और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि चौहान साहब, अब आपको दूसरी औलाद कभी नहीं होगी। तब तुम्हारी ये मां तुम्हारी बहुत रोई थी, बहुत निराश हुई थी, क्योंकि इन्हें एक बेटा चाहिए था। तब मैंने इन्हें समझाया, इन्हें विश्वास दिलाया कि जो इज्जत, श्रद्धा, प्यार एक बेटी दे सकती है, वो एक बेटा कभी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये भूल गया था कि जो शर्मिंदगी, जो जलालत एक बेटी दे सकती है, वो भी एक बेटा कभी नहीं देता। अंजलि, जो इज्जत हमने परसों कड़ी मेहनत करके आज यहां खड़ी की है, जो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी है, अगर तुम उसे अपने पैरों तले रौंद कर, कुचल कर चली जाना चाहती हो तो चली जाओ। और क्यों, एक छोटे से पल भर के ख्वाब के लिए? उस छोटे से पल भर के ख्वाब पर एतबार हो गया तुम्हें? अपने मां बाप की आंखों पर विश्वास नहीं रहा? देखो बेटी, मैं उन बापों में से नहीं हूं कि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस महल में घसीट के बंद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम अपने इस खुदगर्ज ख्वाब को पूरा करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। एक काम करो, ये लो बंदूक पकड़ो और उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। आजाद हो जाओगी तुम, मार दो मुझे। कमान, कमान अंजलि, शूट मी, कमान। नो पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी। आपको दुख पहुंचाकर मैं कभी खुश नहीं रह सकती पापा। आई लव यू वेरी मच। मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, वही शादी करूंगी जहां आप चाहेंगे। लेकिन पापा, इस वक्त मुझे मत रोकिए, मेरा कोई इंतजार कर रहा है पापा। मैंने उसे वादा किया कि मैं आऊंगी, मुझे अपना ये एक वादा पूरा करने दीजिए पापा, बस एक वादा प्लीज। जाने दीजिए इसे, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है,
ये कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारी नजरें झुक जाएं। जाने दीजिए। ठीक है, मैं तेरे वादे की इज्जत रखूंगा। तू जहां भी जाना चाहती है वहां तुझे मैं ले जाऊंगा। मैं जानता था तुम मेरे लिए अपने बाप का घर छोड़कर जरूर आओगी अंजलि। मैं जानता था तुम आओगी। देव, तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपने बाप का घर नहीं, तुम्हें छोड़ने आई हूं। फिर से मजाक है? देव, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मैंने पापा की बात मान ली है। अब मैं वही शादी करूंगी जहां वो कहेंगे। जो वादा मुझसे किया था देव, इससे पहले कि तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी में आए, तुमसे पहले, बहुत पहले एक वादा मैंने उनसे किया था। वो वादा जो हर लड़की करती है जब उसका जन्म होता है। मैं वो वादा पूरा करूंगी देव। मैं वही करूंगी जो वो कहेंगे। तो क्या मोहब्बत तुमने अपने माँ बाप से पूछ के की थी? हा? तुम कितनी खुदगर्ज़ हो अंजलि। कोस लो, जो जी चाहे कह लो, लेकिन अब मैं उसी रास्ते पे चलूंगी जो उन्होंने मेरे लिए चुना है, चाहे उस रास्ते पे मैं घुट घुट कर ही क्यों ना मर जाऊं। अगर मरना ही था तो अपना गला घोट कर मरती तुम, इस तरह बेवफाई नहीं करती। अगर माँ बाप की शर्मिंदगी का एहसास ना होता ना, तो मैं ये भी कर जाती। लेकिन मुझे जीना होगा देव, मर मर कर जीना होगा। तुम तो जी लोगी अंजलि, मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि, नहीं जी सकता। ये तो सोचो, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? तुम ऐसा नहीं कर सकती अंजलि, तुम ऐसा नहीं कर सकती देव। किसी एक रिश्ते के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। आगे बढ़ो, एक नई दुनिया बसाओ। तुम्हारे बगैर? मेरे बगैर, मुझसे बेहतर। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी? तो सुन लो अंजलि, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा। जला के राख कर दूंगा दुनिया को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे देव। तुम हमारी दोस्ती को यूं जलील नहीं करोगे। मुझे या मेरे माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। अगर मैं दूसरे से कोई वादा नहीं करे तो अच्छा है। हाँ देव, अब मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूं तो अच्छा है। तो फिर मैं चलूं देव? मैं जा रही हूं। सुनो, उससे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी मां से। क्या कहूंगा मैं उससे? मां
मां से कहना कि एक वादा निभाने के लिए एक मां का दिल तोड़ दिया, वो मां है ना, समझ जाए। तो आ गया है बेटा, बहुत देर लगा दिया। सब इसका खेल है मां, सब इसकी वजह से है, देर हो गई आज। देव, तुमने शराब पी है? मैंने शराब पी है। शराब पी है मैंने। शराब का नशा है मुझ में। नहीं देव, तुम्हारी आंखों में शराब का नशा नहीं है, कुछ और है। क्या है देव, क्या बात है? छोड़ दिया मैंने उसको, तोड़ दिया उसका दिल, फिर कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे, कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा उस अंजलि से। तू झूठ कह रहा है देव, तू ऐसा कर ही नहीं सकता, तू मेरी औलाद है, तू किसी का दिल तोड़ ही नहीं सकता, तू झूठ कह रहा है ना देव। हाँ मां, मैं झूठ बोल रहा हूं, तेरी औलाद हूं ना, क्या किसी का दिल तोड़ूंगा, मैं क्या किसी को छोड़ूंगा, वही मुझे छोड़ गई मां। जब मैंने उसे कहा कि तूने मां से भी एक वादा किया था, मैं मां से क्या कहूंगा, तो जानते हो उस बेवफा ने क्या कहा, तू जानते हो उस बेवफा ने क्या कहा, उसने कहा मां समझ जाएगी, तू समझ सकती है मां, तू समझ सकती है, तू समझ सकती है मां। मां, जमी पे फलक से परी आ गई है, आ सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे
हमका तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन तेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मुश्किल मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन
चेहरा सोना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का चेहरा कमाल है, बब्बन मियां गाड़ियां लेकर अब तक नहीं आए। अरे वो नवाब ज्यादा है मॉम, और नवाब हमेशा अपनी मर्जी से अपने वक्त पर आते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती मॉम कि आपने ड्राइवर को इतना सर पे चढ़ाकर क्यों रखा हुआ है। यू शुड हैव किक्ड हिम आउट अ लॉन्ग टाइम अगो। अरे नौकरों की कमी है दिल्ली शहर में क्या? हाँ बॉबी, नौकरों की कमी नहीं है इस शहर में, लेकिन वफादारों की बहुत कमी है आज की इस दुनिया में। और वैसे भी हमारे बब्बन मियां घर के नौकर नहीं, घर का हिस्सा है। तुमने बिल्कुल सच कहा। देखा बॉबी, तुम्हारा भाई कितनी अच्छी बातें करता है। ये ये ये। जीते रहो बेटा। दुल्हन रानी, ये बब्बन ही नहीं बल्कि इसके बाप दादा भी हमारे खानदान के पीढ़ियों से खिदमतदार रहे हैं। शुक्र है आखिर आए गए बब्बन मियां। भाईजान सलाम अलैकुम। खुशामदीद दुल्हन बेगम, खुशामदीद भाईजान। बब्बन मियां, मुबारक हो आपको। स्टे अवे यू इडियट। इडियट? हाय 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 हाय, क्या अंग्रेजी झाड़ते हैं, गालियां भी बोलते हैं, तो लगता है जैसे मोती बरस रहा है। बब्बन, ओके अम्मा मेरी तौबा, बहुत बोलने लगे हो तुम, इतना इंतजार करा इतनी गर्मी में। चलो बॉबी, मुझे कॉर्नर प्लेस भी रुकना है। राम जी माँ, तुम दुल्हन रानी को इस ड्रेस्ड अप गाड़ी में लेकर आ, हम बीएमडब्ल्यू में चलते हैं। या सो ब्लडी एलिस। आइए 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 दुल्हन बेगम, क्या हुआ? अरे कहाँ खो गई आप? आइए 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 दुल्हन बेगम, आइए आइए ना। भाभी, वैसे तो हम भाई के सौतेले हैं, मगर भाई हमें अपने सगों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों भाई? हम सिर्फ आप लोगों को प्यार नहीं, आप लोगों को पूछते हैं। ओह, माँ का हुक्म भगवान के हुक्म के बराबर है। कितना आज्ञाकारी है मेरा बेटा। वैसे बेटा, अब तो बहुरानी के कदम इस घर में पड़ गए हैं, अब तो हुक्म इन्हीं का चलेगा, क्यों? नहीं माँ, इस घर में हुक्म आप ही का चला है और हमेशा आप ही का रहेगा। जीते रहो बेटा। आओ दुल्हन रानी, अब कदम आगे बढ़ाओ। आओ भाभी, आओ ना। मारियम। यस मैडम। भाभी को उनकी जगह, उनका कमरा दिखा दो। श्योर मैम। कम 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 अब दे। It's a beautiful room. You will surely love it. लगता है बारिश आने वाली है। अगर
अगर आप यहाँ खड़ी रहेंगी तो भीग जाएंगी। बारिश हो या तूफान, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। आपने तो कहा था आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं कभी कभी पिछली की कड़कने की आवाज से डरती हूँ। अच्छा, और किन किन चीजों से डर लगता है हमें बताइए, बताइए ना। मैंने कहा ना, मैं किसी भी चीज से नहीं डरती, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। ओह, और हम ठहरे पुराने जमाने के। अब आप ही बताइए 19वीं सदी और 21वीं सदी की निभेगी कैसे। हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, और कोई जरूरत नहीं है रिश्ता जोड़ने की। मैं नहीं चाहती कि आपके मेरे बीच में कोई भी रिश्ता हो। 21वीं सदी की लड़की अपनी सुहागरात पर इस तरह बातें करती है। ये सिर्फ बातें नहीं है, और देखिए मेरे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं चलेगी। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपके साथ कोई जबरदस्ती करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप हम पर इतना जुल्म कर रही हैं और हमें बता भी नहीं रही कि हमारा कसूर क्या है। कसूर बस इतना है कि मैं किसी से कि मैं किसी से शादी ही नहीं करना चाहती थी, बस। अच्छा, तो फिर आप क्या करती। और कुछ भी करती, लेकिन अपने सपनों को यूं चूर चूर नहीं होने देती। हम भी आपके सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। अंजलि, हमारी तरफ देखो। पति पत्नी ना सही, हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं, और दोस्ती का पहला असूल ये होता है बराबरी का हक। और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, और आप भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे हमें दुख पहुंचे। धीरे धीरे हम आपको समझ जाएंगे, आप हमें समझ जाइएगा, और इस तरह आपकी 21वीं सदी के असूलों को भी ठेस नहीं पहुंचेगी, और हमारी जो 19वीं सदी के जज्बात हैं वो भी कायम रहेंगे, है ना। क्यों? और रहा सवाल आज की रात का या आने वाली कुछ रातों का, तो हम कहीं और जाके भी सो जाते, लेकिन इससे हमारे घर वालों के अरमानों को ठेस पहुंचेगी, है ना। आपको हम पर एतबार रखना होगा, हम आपके पास ही सो जाते हैं, आपके करीब। आप भी आकर यहीं सो जाइए बेफिक्र होके। कम ऑन, कम रिलैक्स, आ जाओ। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मारिया, ये किसकी आवाज है। सांप का। इस घर का हर सुबह सांप के प्रेस से ही शुरू होता है। Isn't it lovely, madam? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। अंजलि, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। हाँ? नहीं, मैं यही ठीक हूं। ये भगवान का घर है अंजलि, और इस घर की दहलीज पर यूं बाहर नहीं खड़े रहते, अंदर आकर शीश झुकाते। अंदर आओ अंजलि,
आओ। आपको इन पर विश्वास है? आपको नहीं है? नहीं। आपको भगवान पर विश्वास नहीं? नहीं। क्यों? हम इंसान तो सिर्फ कठपुतली हैं, डोर तो इनके हाथ में है। ये जब चाहे हमारे साथ खेल सकते हैं और हम नाचते रहते हैं। नहीं अंजलि, ये हमारे माता पिता हैं और माता पिता कभी अपने बच्चों के साथ खेल नहीं खेलते। बच्चे चाहे कितने भी नाशुकर क्यों ना हो, लेकिन भगवान अपने बच्चों से मुंह नहीं फेरते। अब आप मुझे ये झूठी तसल्ली ना ही दे तो अच्छा है। ए सुनो, गुस्सा हो गई अंजलि? तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। एक बात कहें हम, जब भी तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाए ना, हमारी एक बात याद रखना, आंखें मीच कर सांस खींच कर 3 बार ओम 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 कहकर प्रभु का नाम लेना। पल भर में गुस्सा गायब हो जाएगा। और ये क्या, तुम्हारी मांग क्यों सुनी है? मदाम टी की पिटिया। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, हैव अ क्रोसों, एंजॉय। मॉर्निंग मा। मॉर्निंग बॉब, ये क्या है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? वो अभी भी आता होगा ऑफिस जाने के लिए। वो आए या जाए, हु केयर्स, मैं सो गुलाम नहीं हूँ। ऑलराइट, गुलाम ही तो है ब्रदर, मत भूलो 75% शेयर्स अब तक उसके हक में है और हमें मिले हैं मीसली 25%, है एक चौथा हिस्सा। रियली मामा, बहुत नाइंसाफी की है पापा ने हमारे साथ। निकी, फिर से तुम पापा के। बॉब, तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? ऑफिस में की हुई जायदाद के मुतलिक हर बात की खबर हमें होनी चाहिए। हाँ वो सब तो ठीक है डियर सिस, लेकिन हर वक्त श्री राम के तलवे चाटना जरूरी है क्या? सियाना वो होता है जो वक्त के रुख को देखकर झुकना सीखे और रुख बदलते देखकर दुश्मन को झुकाना सीखे। लेकिन हमारा वक्त कब आएगा मामा? सब्र डार्लिंग सब्र। दुल्हन रानी, दुल्हन रानी, हाँ जरा इधर तो आओ। ओहो वाह, नई नवेली दुल्हन के भीगे भीगे बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी सुबह सुना रही है इसके रात का फसाना। जी? ओहो कितनी सुंदर साड़ी है और इसका पल्ला तो और भी प्यारा है। भाई तुम्हारे माँ बाप के टेस्ट की तो दाद देनी पड़ेगी, ऐसी कितनी साड़ियाँ और जेवरात लेकर आई हो साथ। ऐसा करो कि अपने सारे जेवरात हमारे पास रखवा दो, जब जरूरत हो तो मांग लेना, हम दे देंगे। लेकिन मैं अपनी जेवरात आपको क्यों दूं? मैं अपनी चीजों की हिफाजत करना खुद जानती हूँ। नई पीढ़ी की दुल्हन हो ना। वैसे रानी, इस घर में कायदे कानून नियम हमारे चलते हैं। जी नहीं, मैं अपने नियम खुद बनाती हूँ और कोई नहीं। इसकी तो जबान भी है मामा। She's a bitch. क्या क्या कहा आपने, क्या पुकारा मुझे? मैंने कहा मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, आखिर मैं क्या कह सकती हूँ? क्या मैं तो एक माँ हूँ, सिर्फ माँ, और उससे ये इल्जाम के सौतेली हूँ। हाय, वो इतनी ऊंची आवाज सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या हुआ माँ, क्या बात है? राम, मैं रही इस घर की चौकीदार। मैंने बहू से कहा कि अपने गहने मुझे हिफाजत में दे दो, कहीं ऊंच नीच हो जाए, घर के नौकरों का क्या भरोसा। बेटा बस इतनी सी राय दी थी, वो नाराज हो गई।
इतनी जोर से तो मेरे अपने बच्चों ने भी मुझसे कभी बात नहीं की। ऊंची आवाज में मैं बात कर रही थी या आप लोग गालियां देकर मुझे जलील कर रहे थे? क्यों झूठा तमाशा कर रही हैं आप? बस माँ से माफी मांगो। आपको जानते भी नहीं है और आप? मैंने कहा ना माँ से माफी मांगो। नो अंजलि, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं चलेगी। माँ ने सिर्फ जेवर ही मांगे हैं ना, तो जाओ माँ को जेवर दे आओ। कभी नहीं। क्यों दूं मैं अपने जेवर? ये जेवर मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं, और बात सिर्फ जेवर की नहीं है, बात इस तरह बेवजह हुक्म चलाने की है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि बात जेवर की नहीं है, बात बड़ों की इज्जत की है। देखो इससे कई ज्यादा जेवर हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। माँ ने हुक्म दिया है, उस हुक्म का पालन करो। जाओ माँ को जेवर दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, हमें पूरा यकीन है कि तुम वही करोगी जो सच है और सही है। हमें पूरा यकीन है तुम पर। देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नॉनसेंस। मदाम ये तुम क्या करता? मदाम किधर जाता? अपने घर। मदाम तुम्हारा घर तो इधर ही है। ये मेरा घर नहीं है। मदाम ये तुम क्या बोलता? उन लोगों की बातों में आ गया। मदाम वो तो चाहते ही है कि तुम्हारा घर टूटे। हाँ क्या? हाँ मदाम, गॉड प्रॉमिस। आओ हम बताता। कम मदाम, कम कम। ओ मामा मामा, यू वर ब्रिलियंट, व्हाट अ परफॉर्मेंस है। तुमको तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू। क्या बेवकूफ बनाया तुमने उस राम को। लेकिन उस लड़की की हिम्मत देखी, मुझसे जबरदस्ती कर रही थी। मामा है तो वो बहुत ही ढीठ, ना तो तुमसे माफी मांगी और ना ही अब तक वो जेवर आए। वो जेवर तो आएंगे, तुम देखती जाओ। भला ऐसा हो सकता है कि मैं राम को कोई आज्ञा दूं और वो उसका पालन ना करे? ही सच अ फूल ना मामा। नहीं जानता कि हम सब उससे कितनी नफरत करते हैं। हाउ मच वी हेट हिम। सचमुच कितना बेवकूफ है वो। कुछ भी बोलो मामा, हम लोगों ने क्या धूल झोंका ना उसकी आंखों में। बेबी कोई सुन लेगा। तो आपने अभी तक जेवर नहीं दिए, माँ के हुक्म का पालन नहीं किया। माँ माँ, बहन, भाई बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे, पूछते हैं इन्हें, बहुत विश्वास है इन पर। लेकिन कभी ये सोचा है कि यही लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? इनके दिलों में आपके लिए क्या है? क्या है? सुनने की हिम्मत रखते हैं आप तो सुनिए। नफरत करते हैं आपसे, नफरत। एवरीबडी हेट्स यू। पीठ पीछे हंसते हैं वो आप पर, बेवकूफ समझते हैं आपको। दे ऑल थिंक यू आर अ फूल। जानते हैं ये आप? हाँ जानता हूं, सब जानता हूं, सब पता है मुझे, फिर भी उन्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि नफरत को सिर्फ मोहब्बत से जीता जा सकता है, सिर्फ मोहब्बत से। इतना प्यार देना चाहता हूं, इतना प्यार देना चाहता हूं सबको, कि एक दिन सब लोग मजबूर हो जाएं मुझे प्यार करने पर। यही मेरे असूल हैं, यही मेरा विश्वास है। अच्छाई से ही बुराई को मारा जा सकता है,
आत्मे की से ही पति को मिटाया जा सकता है, शांति से ही किसी की मन की जलन को हटाया जा सकता है। हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं, इंसान बनकर ही रह सकते हैं, जानवर बनकर नहीं। जैसा हम कहते हैं वैसा करो। चलो सारे जेवर मां को दे आओ, मां को इज्जत देने से आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। चलो कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, मुझसे आंखें चार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे,
से तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा वादा है लौट आऊंगा मैं, दुनिया से तुझे चुरा लो थोड़ा इंतजार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। को दिल में दे दूं कैसे तुझसे प्यार कर लूं, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे, क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे। प्यार कर लो। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मारिया, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, कब लौटेंगे? मालूम नहीं। और मैं यहाँ अकेली रहूंगी? पूरा घर है, सब लोग हैं, और वैसे भी आपको अकेले रहने का बहुत शौक है। और अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी सबको अपना ध्यान रखना खुद आना चाहिए। विल यू एक्सक्यूज मी प्लीज सर? मैडम, हेलो हेलो भाभी, बॉबी है। हाँ बोलो भाभी। वो एक जरूरी काम था, मुझे आपका ओपिनियन चाहिए था। मैं नीचे स्टडी में हूँ, आप आ सकती हैं? ऐसा क्या जरूरी काम है? आप आई तो सही। ऑलराइट। हाँ बॉबी, बॉबी ये क्या है?
You're looking cool tonight. What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? Come on, don't be a prude. बंद करो ये सब नाटक. मैं जानता हूं कि तुम्हारे और भाई के बीच क्या है. यह क्या नहीं है, लेकिन हमारे बीच बहुत कुछ हो सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा. आई प्रॉमिस. व्हाट्स इट? भाईजान घर आ गया. अब घर चले जाइए. जी. मुल्ला की दौड़ आखिर मस्जिद तक. हाउ डेयर यू. तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे सब कहने की, ऐसा सोचने की भी? मूव. नहीं. ऐसी वाहियात हरकत नहीं कर सकता. यू आर एब्सोल्युटली राइट मामा. डेफिनेटली शी मस्ट हैव डन समथिंग. इसी ने कुछ किया होगा. इसी ने उकसाया होगा मेरे ब्रदर को. और ये उकसाना आज से नहीं, कई दिनों से चल रहा है. मामा आप जानते हो, जब मैंने इसे कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, तो इसने कहा इसमें हर्जी क्या है, जरूरी नहीं किसी को पता चले. आई वाज शॉक्ड मॉम. झूठ, सब झूठ. राम ये सब मिलकर झूठ बोल रहे. प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ राम. प्लीज मेरा विश्वास कीजिए. ये तुम्हारा विश्वास क्यों करेगा, ये मेरा विश्वास करेगा, है ना राम? माँ आप झूठ बोल रही हो. माँ बेटे तुम क्या कह रहे हो? बस बहुत हो गया झूठ. तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो. न जाने कितने दिन, कितने महीने, कितने साल झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते आए और मैं चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, सिर्फ इसलिए कि एक दिन तुम्हारी ये बेवजह नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी. लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. अंजलि झूठ नहीं बोल रही. मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन यह बात मानने को तैयार नहीं कि इसके चरित्र पर दाग है. अच्छा तो हमारी बात से ज्यादा इसकी बात पे यकीन होने लगा. तो फिर हमारा इस घर में क्या काम? ठीक है, हम यहां से चले जाएंगे. हम फार्म हाउस चले जाएंगे. क्यों? जैसे आप मुनासिब समझे. आपने फैसला किया है तो ठीक ही किया होगा माँ. हाँ. जो आपको मंजूर हो. ठीक है ठीक है. चलो 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 निकी. चलो बॉब. हाँ. हम चलते हैं यहां से. सुनी मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन यह बात मानने को तैयार नहीं कि इसके चरित्र पे दाग है, कि इसके चरित्र पे दाग है, कि इसके चरित्र पे दाग है. ना करते प्यार, हाय मैं कर गई
दूर जाना नहीं। सुन के तेरी ये बात आँख मेरी भर गई भर गई भर गई। सुन के तेरी ये बात आँख मेरी भर गई भर गई भर गई। अब तूने किया क्या यार है मैं तो मर गई मर गई मर गई। ना ना करते प्यार है मैं कर गई कर गई कर गई हो हो हो। क्या देख रहे हो? You're looking so beautiful. आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बात नजरों की है, वरना बात कुछ भी नहीं। Happy anniversary, wifey. Happy anniversary, hubby. I love you. अरे, ये दूल्हा दुल्हन बने 3 बरस हो गए, हनीमून का निशा अब तक नहीं उतरा। Oh my baby. आप बिना मिसेज मल्होत्रा कभी नहीं मानेंगी। अच्छा वो आपके गेस्ट आने वाले थे लंदन से, क्या हुआ? उन्हीं को देख रही हूँ, अब तक नहीं आए। यार अपनी बीवी को कभी दोस्तों में भी टाइम पास कर लिया? मेरी गर्लफ्रेंड बन गया। ओह नो, ये तो बड़े ही चिपकू हैं। ओह मिसेज मल्होत्रा,
अच्छा अंजलि, इट वॉज वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू। दरअसल मेरी मेहमान दिल्ली में नए नए आए हैं और मैं चाहती हूँ कि वो दिल्ली की हाई सोसाइटी का माहौल भी देखे। ओह नॉट एट ऑल मिसेस मल्होत्रा, आपके मेहमान तो हमारे मेहमान हैं। ओह यू आर सो स्वीट। अरे वो आ गए। दैट्स देव। देव अंजलि, दोस्तों को चाहे कितना भी मना कर लो लेकिन वो तोहफे जरूर भेजते हैं। उनका प्यार दिखाने का तरीका ही अलग है। इतना कीमती तोहफा ये किसने भेजा? विद बेस्ट विशेस देव। देव, ये कौन सा दोस्त है हमारा? वो मिसेस मल्होत्रा, मिसेस मल्होत्रा के वो दोस्त, वो जो लंदन से आए हैं। लेकिन जाना, इतना कीमती तोहफा देने की क्या जरूरत है उन्हें? तो लौटा देंगे। नहीं 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 नहीं, इतने प्यार से दिया उन्होंने, रख लेते हैं इसे। एक काम करते हैं, अपने तरीके से लौटाते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है। मैं देखता हूँ, पकड़ो उसे। हेलो, हाँ मिसेस मल्होत्रा जी, बोलिए। या जी, आप ही की बात कर रहे थे। कल रात, एक मिनट, जरा मैं अपनी बीवी से पूछ लूँ। एक सेकंड। अंजलि, वो जो मिसेस मल्होत्रा का गेस्ट है ना, देव साहब, वो उन्होंने एक पार्टी दी है, वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम दोनों वहाँ पहुँचे, तो क्या ख्याल है? जो आप ठीक समझे तो हाँ कह दूँ। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ हम पहुंच जाएंगे, हम दोनों आ रहे हैं। ओके मिसेस मल्होत्रा, ओके, थैंक यू, गुड डे। हो गया, इट्स डन, गेट कमिंग देव। थैंक यू, शुक्रिया मिसेस मल्होत्रा, ये काम सिर्फ आप ही कर सकती थी। ये पार्टी इस शहर की सबसे बेहतरीन पार्टियों में से होगी, और जानती हो उसे बेहतरीन कौन बनाएगा? मेरा बिजनेस पार्टनर, मेरा दोस्त जो हर बात में मेरा इक्वल है। क्यों पार्टनर? क्यों नहीं देव, लंदन से इतनी दूर तुम्हारा साथ देने तो आई हूँ। आखिरी मंजिल तक साथ देगी तुम्हारा शीतल वर्मा। ओ शीतल, यू आर अ ट्रू फ्रेंड, पार्टनर्स हो तो तुम दोनों जैसे। ओके देव, कल पार्टी में मुलाकात होगी। बाय शीतल, सी यू एट द पार्लर, बाय डार्लिंग। मिसेस मल्होत्रा, She's a number. बहुत वक्त के बाद ये वक्त आया है। तुम्हारा वक्त आने से कौन रोक सकता था देव? वक्त वक्त की बात है, कल तक तुम अकेले थे, आज जमाना साथ है। सच, आज तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुश हो ना देव? बहुत खुश, बहुत बहुत ज्यादा। शीता, आज तक उसके बारे में तुमने मुझसे सिर्फ सुना था, जब देखोगी ना तब समझोगी कि मैं इस कदर उसके बारे में क्यों दीवाना हुआ, क्यों पागल हुआ। क्यों ये देव मर कर भी जीता रहा, जब मिलोगी ना तब समझोगी।
से मिलूंगी। Hi, how are you? Oh, it's so nice to see you. Please welcome, welcome. What a beautiful party. What beautiful people. I am so excited. Wow, this place is something. It's lovely and happening. तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? देव को जानती हो? तो फिर दिल्ली का हर आदमी यहाँ मौजूद है, फिर हम क्यों पीछे रह जाएं भाई? वैसे ये देव करता क्या है? कोई कहता है बिजनेस मैग्नेट है, कोई कहता है कंप्यूटर विजार्ड है, कोई कहता है किसी पॉलिटिशियन का रिश्तेदार है, पर सानू की अपना तो उसूल है, नाचो गाओ खाओ पियो और कैच आउट कर दो। ये मौसम की नई बहार है डार्लिंग, ही इज द फ्लेवर ऑफ द मंथ, राइट? फ्लेवर ऑफ द मंथ, चीयर्स। कम ऑन जॉन। हाय राम हैंडसम, यू कम, व्हाट अ लवली कपल। थैंक यू, हाउस इज वेटिंग फॉर यू। मैं जानती थी मैं बुलाऊंगी, तुम जरूर आओगे। कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं ये?
आओ ना। खड़ी क्यों अंजलि? बैठो ना, बैठो। ये तुम नीचे क्यों बैठे हो? यही तो मेरी जगह है देव। माँ कैसी है? माँ मर गई। क्या? जब तुमने मुझे छोड़ा मैं तो जी गया। माँ मर गई। माँ गुजर गई? गुजर गई और अपने साथ अपने ख्वाब ले गई, लेकिन मैं जिंदा रहा। हर पल हर लम्हा तुम्हें याद करके जिंदा रहा। जानती हो अंजलि, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपया है। 500 करोड़, जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म भरते थे, लहू निकलता था, फिर गिरता था, लेकिन तुम्हारी आवाज सूरज की किरणों की तरह मेरे दिल और दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी, एक कदम और देव, एक कदम और। फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। लेकिन एक बात कहूं अंजलि, इन सब का कोई मोल नहीं, ये सब बकवास है। क्योंकि अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो सकती देव, मैं किसी और की हो चुकी हूं। अंजलि मत भूलो, तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी, एक इंसान से नहीं बल्कि उसके धन दौलत से, उसके शान और शौकत से, उसके रुतबे से। आज वही धन दौलत, वही शान और शौकत, रुतबा मेरा है, तो तुम मेरी हुई ना देव। मैं नहीं जानती मेरा रिश्ता किससे कराया गया था, मैं बस इतना जानती हूं कि जिस आदमी से मेरी शादी हो गई है उन्हें मैं पूछती हूं, वही मेरे पति हैं, वही मेरे जीवन साथी, मेरी हर सांस में हर धड़कन पर राम बसे हुए हैं। देव तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं, भूल जाओ देव, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। अंजलि मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी। तो ये तुम भी सुन लो देव, इस जन्म तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक उनकी हो चुकी, सिर्फ उनकी। Only 25%. बहुत नाइंसाफी हुई है आप लोगों के साथ। हमने कब कहा कि हमारे साथ
इंसाफ हुआ है। And you know what, Mr. Dev? रिश्तेदारी की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है इस देश में। लेकिन वो कीमत आप क्यों चुका रहे हैं? वो क्यों नहीं? वो कैसे? वो कैसे? 50-50? इस वक्त आप लोग एक चौथाई पर हैं और वो तीन चौथाई पर। क्यों ना हम बराबर के हिस्सेदार बन जाए? Why don't you guys join me? It's a deal. लेकिन मिस्टर देव, आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, आपको हमारे इस बिजनेस में इतना इंटरेस्ट क्यों? एक हमारे ही रिश्तेदार में इतनी दिलचस्पी क्यों है आपको? कंपटीशन, मुकाबला, वो उस ऊंचाई पर है जहां सिर्फ एक आदमी खड़ा रह सकता है, वो मैं। क्यों नहीं, हम आपके साथ हैं। और आपके और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी नहीं है, या फाइनेंशियली साउंड। हमारे भाई को देख लीजिए, इतने सारे लोन उठा रखे हैं बिजनेस और घर के नाम पर, अपने एक जबरदस्त नए प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन इस बार भी वही कामयाब होगा ना? जीत तो उसी की होगी। Who knows? इस जन्म तो क्या वो सात जन्मों तक जीत नहीं सकता। Never. ये क्या है चोपड़ा साहब? मुझे मेरे कर्ज की अदायगी फौरन चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, और वैसे भी मुझे आपके प्रोजेक्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये प्रोजेक्ट तो आप ही की देन है। आप पर विश्वास करके तो मैंने अपने सारे पैसे इस पर लगा दिए, अब आप ऐसे कैसे मुंह कर सकते हैं? मुझे मेरा पैसा चाहिए बस, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। चोपड़ा साहब, इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी मैं कहां से लाके दूंगा? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने सारे पैसे इस प्रोजेक्ट में लगा दिए। ओके फाइन, अगर आप नहीं दे सकते तो मेरे कर्ज की रकम मुझे कोई और देने के लिए तैयार है, आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा। चोपड़ा साहब, कौन है वो? मिस्टर देव। मिस्टर दीवान, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। आप भूल गए कि आपके आड़े वक्त मैं भी आपके काम आया था? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि मुसीबत के वक्त आप मेरे काम आए? आप समझने की कोशिश कीजिए, मिस्टर चोपड़ा ने वो सारे कागजात किसी और शख्स को दे दिए हैं। हाँ, वो शख्स को मैंने मिलने की कोशिश की, उसे मैंने कॉन्टेक्ट, हाँ मैंने उसको फोन भी किया, वो फोन पर नहीं आ रहा। पर सिर्फ उसका नाम ही तो मुझे पता है, उसका नाम है देव जी, देव। ब्रदर, तुम मेरी कुर्सी पर क्या कर रहे हो? तुम ये कुर्सी तुम्हारी रही कहां भाई? कल तक तुम तीन चौथाई हिस्से के मालिक थे और हम एक चौथाई के। आज हमारे पास 50% है, और बाकी 50% जिसका है उसने मुझे यह हक दिया है कि मैं इस कुर्सी पर बैठूं। सो यही उम्मीद थी मुझे तुमसे, यही उम्मीद थी मेरे भाई। अब जब तुम इस कुर्सी पर बैठ ही गए हो तो इस कुर्सी की इज्जत करना भी सीखो। खुश रहो।
I've done it, Dave. I've done it. He's out. He is out, Dave. Yeah, Dave. Dave, Dave, Dave. I understand, Dave. No problem. अरे यार हमारी पार्टनरशिप तो शुरू हुई है अभी. अबे आगे आगे देखो होता है क्या. Thanks a lot. Yes. Thank you, Dave. Dave. पता नहीं उसे मुझसे क्या दुश्मनी है. क्या चाहता है वो. क्यों मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है. सब कुछ ठीक हो जाएगा. ये बुरा वक्त टल जाएगा राम. हाँ लेकिन जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है. सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया है. लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी अंजलि. अब तो ये घर भी हमारा नहीं रहेगा. घर कल घर की नीलामी है. Gentlemen, the bidding begins. Minimum bid, 8 crores. 8 crores. 8 crores. 9 crores. 9 crores. 9.5 crore. 9.5 crores. 10 crore. 10 crores. 10 crores. 13 crores. Mr. Kapoor has magnanimously bid 15 crores. Thank you. 15 crores, 8. 15 crores, 2. 15 crores. Hello. 20 crores. 20 crores. 20 crores. 20 crores. Ladies and gentlemen, the bid now stands at 20 crores. Do I hear any more bidders for this beautiful house? 20 crores. Bolie? Any more bids? This beautiful house is being sold for 20 crores. 20 crores 1. 20 crores 2. 20 crores 3. Sold! दीजिए मालिक. ये क्या कर रहे हो बबन मियां. अब हम मालिक नहीं रहे. ये क्या कह रहे हैं आप भाईजान. अरे जब तक ये सांस चलेगी तब तक आप ही हमारे मालिक हैं. हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा. हौसला रखिए हम आपके साथ हैं. अरे मियां क्यों अपनी नौकरी खोते हो. अस्तगफिरुल्लाह. अरे आप पर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान भाईजान. आप ही ने हर जरूरतमंद की मदद की. हर बेघर को घर दिया. आप ही ने हमको सिखाया कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए. और हम आपकी सिखाई हुई बात भूल जाए. चलिए भाईजान हमारे घर. नहीं हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते. जिद मत करिए भाईजान. आपको हमारी कसम. तकल्लुफ मत कीजिए. अरे वो भी तो आप ही का दिया हुआ घर है. आइए आइए दुल्हन बेगम आइए. आओ चलते आइए 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 भाईजान आइए आइए बेबी जी आइए आइए. गरीब का घर है छोटा सा पर आप ही का है. आप इसे अपना ही घर समझिए बीबी जी. बबन भाई मैं इन्हें कहाँ रखूं. यहाँ रख दीजिए. आइए 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 रख दीजिए. यहाँ. अरे मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को. धरती बांटी सागर बांटा क्या बांट सके इंसान को. रख दीजिए बीबी जी. हे भगवान ये क्या. रोइए मत बीबी जी मत रोइए. इन पर भरोसा रखिए. जिसने आपसे आपका घर छीना है वो कभी खुश नहीं रहेगा. कभी चैन नहीं पाएगा. वो हर दिन मरेगा हर रात चलेगा. Thank you.
टेक देव उधर देख, तू कितना काला है वो कितना गोरा है, तू कितना गरीब है वो कितना अमीर है, तू आज भी बर्बाद है वो अब भी आबाद है। दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो, ला 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 ला। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार है दिल खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो, ला 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 ला। आधी है बात आधी है बहके बहके कदम,
एक दूजे को लेके बाहों में आल पट जाए हम। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। कोई हमारे बीच नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। Hi, baby. Ooh, 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 ooh. Looking cool. Smashing. Really? Thank you. And now up. क्या? ये तुम्हारी जगह नहीं है, उठो। Okay, no problems. आखिर हम partners भी तो हैं, हम्म? What did you just do? Hmm? क्या किया तुमने? अच्छा लगा, मजा आया, बहुत मजा आया, इतना मजा आया कि दिल करता है। मामा क्या हुआ बाबा, तुम्हारा गाल इतना लाल लाल क्यों है? मच्छर ने काटा क्या? मच्छर? हमारे ऑफिस में मच्छर? How disgusting. Bobby, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? Just leave me alone, Mama. Mind your own business, okay? Bob. And you. लगता है काफी जहरीला मच्छर था। जहरीली। क्या? जहरीली। बैठो। माँ जी बैठिए। Please take a seat. कैसे आना हुआ? शीतल, वो जरा एक चेक काटना 10 लाख रुपए का। पर पिछले हफ्ते ही तुमने और बॉब ने 15 लाख रुपए का चेक लिया था ना? 15 लाख का? निकी, तुमने मुझे बताया नहीं। What do you mean? अब हर चीज तुमसे पूछ के करनी पड़ेगी क्या? This is ridiculous. निकी, and you're getting older, mama. Don't chew my brains, okay? मेरा चेक तैयार कीजिए। Where's this Bob? Where the hell is he? Ridiculous. Utter rubbish. कमाल है ना, लंदन में रहने के बावजूद आज तक हमने अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और यहाँ की औलाद इस कदर बदतमीजी से पेश आती है। ऐसी बात नहीं है, सब औलाद एक सी नहीं होती। मेरा एक और बेटा भी है जो ऊंची आवाज में तो क्या, उसे निगाह उठाकर भी बात नहीं करता। कितना विश्वास करता था मुझ पर। और आपने क्या किया उसके साथ? थोड़ा सा भी विश्वास नहीं किया? क्यों? वो अपना नहीं था, सौतेला था। आप किस जमाने की बातें कर रही हैं? आप इस डेट में इन सब बातों पर विश्वास करती हैं? ये वो जमाना है माँ जी, जब कभी कभी अपनी जान ले लेते हैं और पराये सौतेले काम आते हैं। सब संस्कारों की बातें हैं जो माँ बाप देते हैं। अच्छे संस्कारों का असर हमेशा अच्छा होगा, और बुरे संस्कारों का सब माँ बाप की जिम्मेदारी है, सब उन्हीं के हाथों में है।
अंजलि, अंजलि, यहां क्या कर रहे हो? अपनी सही जगह पर आ गया हूं मैं। यह जगह तुम्हारी नहीं है, मेरी बेटी और दामाद की जगह है। यह कहां है वो दोनों? रास्ते पे ले आया हूं मैं उन्हें तुम्हारी बदौलत। क्या किया है तूने उनके साथ? ये मत समझना कि मैं बदतमीजी पे उतर आया हूं, लेकिन मेरे जूते के आईने में ध्यान से अपना चेहरा देखिए और याद कीजिए कि आपने मेरी सच्ची मोहब्बत क्यों ठुकराई थी। क्योंकि मेरे पैरों पर कीमती जूते नहीं थे, बल्कि गरीब की चप्पल थी। इसलिए क्योंकि मेरे बदन पर कीमती कपड़े नहीं थे, इसलिए मेरे जेब में माल नहीं था। इसलिए इससे पहले कि मैं इसी जूते से आपको लात मारकर बाहर निकाल दूं, गेट आउट फ्रॉम हियर, आई सेड गेट आउट, आउट। आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। मैंने जो अपनी बेटी के लिए चुना, सही चुना। मां बाप भगवान का रूप होते हैं, वही रूप लेकर वो अपने बच्चों की तकदीर लिखते हैं। ये बाप भी अपनी बेटी की तकदीर लिख चुका, और उसकी तकदीर में तू ना कभी था और ना कभी होगा। एक बात और, तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। मेरी बेटी तेरी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी तेरी। ससुर जी, आप कुछ भी कर लीजिएगा, एक दिन मैं आपको अपना ससुर बनाकर ही दम लूंगा। इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं अंजलि? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी पापा। अंजलि, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हमारा जो कुछ भी है वो तुम्हारा और राम का ही है। हम राम के लिए सब कुछ नया बनाएंगे फिर। इसका जिक्र भी कभी मत कीजिए उनसे, उनकी खुददारी को बहुत ठेस पहुंचेगी पापा। आप मेरी कसम खाइए, आप कभी कभी कुछ नहीं कहेंगे। क्या राम देव के बारे में जानता है? नहीं, और मैं चाहती भी नहीं कि वो कभी कुछ जाने। अगर उन्हें पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। आप यहां से चले जाइए पापा, मैं नहीं चाहती कि वो आपसे मिले। आपने हमें इस हाल में देखा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप जाइए पापा प्लीज। ठीक है बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो हम तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस बाप का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, और मां बाप की दुआएं कभी जाया नहीं जाती। ये बुरा वक्त है, टल जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। चल।
आप कब आए? आप कब आए? अच्छा आप नहा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। रुको, हमारे गहरे विश्वास के रिश्ते में तुमने अपने दिल में कुछ गहरे राज छुपाए हैं, क्यों अंजलि? क्या हमारा रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया था? क्या तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी और हम पागल यही समझते रहे कि शायद तुम अपने मां बाप से इतनी दूर हो इसलिए शायद उदास हो, नई शादी की नई उलझनों में फंसी हुई हो, एक पल के लिए यह नहीं सोचा कि बात कुछ और हो सकती है, एक पल के लिए यह नहीं सोचा कि तुम किसी और को चाहती थी। नहीं राम, मैं नहीं जानती मैं किसी और को चाहती थी या नहीं, मैं नहीं जानती मेरा कोई अतीत था या नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूं, सिर्फ आपसे। जो गुजर गया वो मेरा कल था, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने आपसे सारी बातें इसलिए छुपाई क्योंकि मैं डरती थी कि आप ना जाने क्या सोचेंगे, आप समझेंगे नहीं। मेरा विश्वास कीजिए। अंजलि तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? तुम मां बनने वाली हो अंजलि, तुम मां बनने वाली हो। यहां से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। तुम सही कहती थी, जो बीत गया उसे भूल जाओ। तुमने बहुत सहा होगा ना, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं। हम दोनों मिलके साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे, है ना जान? राम बेटा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मां बाप तो अक्सर अपने बच्चों को माफ कर देते हैं बेटा, लेकिन ऐसा तो कम होता होगा ना कि एक मां अपने बेटे से माफी मांगे। मुझे माफ कर दो राम। नहीं मां, बेटा मुझे माफ कर दो। हम भूल जाते हैं कि जब एक लड़की को पराए घर से अपने घर लाते हैं तो उसे डरा के धमका के नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत और विश्वास के साथ अपना बनाया जा सकता है। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और सबसे पहले इस आने वाले पोते के नाम अपना सब कुछ लिख दूंगी। राम जी मां, मुझे मंदिर ले चल बेटा, वहां जाके भगवान के सामने अपनी गलतियों की क्षमा मांगना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं जाऊं जान? हाँ जाइए। बाय, चलो मां। अच्छा राम जी मां, अब मैं देखूंगी कि हमारा परिवार कभी ना टूटे, हम सब एक साथ रहेंगे। है
हेलो हेलो देव है कौन कौन बोल रही है मैं अंजलि बोल रही हूँ अंजलि या जस्ट अ मिनट देव आपका फोन है देव Who's it? Anjali. Hello, Anjali. हेलो देव हाँ अंजलि देव मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ हाँ अंजलि तुम कहाँ मैं अभी आया नहीं मैं तुमसे मिलने आऊंगी घर पे अंजलि ये तुम्हारा ही तो घर है जल्दी आओ मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम आ रही हो ना अंजलि घर आ रही है शीतल She's coming back. शीतल मैं जीत गया शीतल शीतल मैं चाहता हूँ कि सारा घर अलग लगे The whole damn place should look different. Hey, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है क्या करना चाहिए What should we do? मेरा टेस्ट हाँ कैंडल्स दिए जलाएं दिए जलाते Christ, I love you. I'll be back in a minute, okay? ए, कहाँ चले? एक मिनट आई बी बैक ओके देव आई बी बैक यस यस वाओ ये क्या पहन लिया देव यही तो मैं हूं शीतल यही तो मेरी हकीकत है मैं चाहता हूं कि अंजलि देव को वैसे ही पाए जैसे देव को छोड़ गई थी देव के होठों पर वही गीत हो जो अंजलि उसकी धड़कन में छोड़ गई थी गीत कौन सा गीत देव
से कहते हो कहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो कहना चाहती हूँ मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो तुम कर कुछ ना कहो चुप ही रहो देखो धड़कन कहती है कुछ ना कहो अब चुप ही रहो देखो तो धड़कन कहती है लौट आया है नींद मेरा अखियों से नदियाँ बहती कैसे गुजरे ये दिन पूछो ना तेरे बिन बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो गलत समझ रहे हो तुम फिर गलत ही समझ रहे हो देव तुम गलत समझ रही हो हमेशा गलत समझती हो दिल ही दिल में मुझसे मोहब्बत करती हो इसलिए तो लौट आई हो नहीं देव मैं लौट कर नहीं आई हूं और अब कभी लौट कर नहीं आ सकती मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं उस आदमी से जो कभी मेरा प्यारा दोस्त हुआ करता था कि मैं मां बनने वाली हूं मां अब तो समझ जाओ मैं तुम्हें भूल गई अब तो मुझे भूल जाओ
मेरे दिल में हमेशा रहोगे देव, मेरी जिंदगी नहीं बन सकते। मेरी जिंदगी सिर्फ राम है, विश्वास करो मैं सिर्फ उनसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। बसने दो मेरा घर, चले जाओ हमारी जिंदगी से, चले जाओ हमारी दुनिया से, चले जाओ। हो सकता कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे पर उसे सिवाय ठोकरे और दर्द के कुछ ना मिले। मैं कैसे मान लूं कि वो मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती है, और मैं क्यों अपने आप को धोखा देता रहा, क्यों मैं जान कर भी अनजान पड़ा, क्यों मैं जीत के भी हार गया और वो हार कर भी जीत गया। कौन कहता है कि तुम हार गए, कौन कहता है कि मैं जीत गया? क्या दो इंसानों के बीच में सिर्फ यही रिश्ता रह जाता है, मुकाबले का, सिर्फ दुश्मनी का? क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो, क्यों खुद को मेरा दुश्मन मानते हो? कभी अंजलि तुमसे मिली, तुम अंजलि से मिले, दो दोस्त एक दूसरे के कितने करीब आए, कितने ख्वाब देखे होंगे, कितने सपने सजाए होंगे, और तकदीर ने एक पल में सारे के सारे ख्वाब तोड़ दिए। जरा सा भी रहम नहीं किया तुम पर, जरा सा भी तरस नहीं खाया तुम पर। मैं कैसे तुमसे नफरत करूं, मैं कैसे तुम्हें अपना दुश्मन मान लूं? तुम्हारा कसूर ही क्या है, सिर्फ यही ना कि तुमने किसी से मोहब्बत की? अरे मोहब्बत ही की है ना, प्यार ही किया है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया? एक बात बोलूं देव, इस दुनिया में न जाने कितने आदमी हैं, और हर आदमी अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता है, लेकिन यह उनके बस की बात नहीं, क्योंकि तकदीर लिखने वाला इंसान नहीं, भगवान होता है। यही तो उसका फैसला है, यही उसका खेल है, यही तकदीर है, यही संजोग है, बस संजोग है। संजोग, भगवान, मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि संजोग होता है, मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि भगवान है, क्योंकि मैं दुनिया के उन इंसानों में से था जो ये मानता था कि इंसान की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज मैं मानता हूं कि संजोग है, भगवान है, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैंने अंजलि से की है कोई नहीं कर सकता, शायद तुम भी नहीं। लेकिन तुम्हारे हाथों में वो रेखाएं हैं जो मेरे हाथों में नहीं है, तुम्हारे माथे पर वो लकीरें हैं जो मेरे माथे पर नहीं है। मैं तुम्हें क्या बर्बाद करूंगा, मैं तुम्हें क्या तबाह करूंगा,
तो तुम्हें बर्बाद करते करते खुद बर्बाद हो जाऊंगा राम। राम देव, मेरा नाम देव है, देवता बनकर जीना चाह, इस धरती के काबिल ही नहीं रहा। तुम्हारा नाम राम है, हमेशा राम बनकर जिए, इंसानों के बीच इंसान बनकर जिए। जीत तुम्हारी कैसे नहीं हो सकती राम, कैसे नहीं हो सकती। देव, कृपया ध्यान दीजिए, ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान क्रमांक BA317 अब लंदन जाने के लिए तैयार है। यात्रियों से निवेदन, गुड बाय राम, कभी अलविदा ना कहना, कहो फिर मिलेंगे। ऑफ कोर्स, फिर मिलेंगे। हेलो पापा, पापा मैं शीतल बोल रही हूँ। शीतल बेटे कैसे हो तुम, कहाँ हो? दिल्ली एयरपोर्ट से बस लंदन वापस आ रही हूँ। ओ पापा आई लव यू। अरे वाह, बहुत खुश नजर आ रही हो, लगता तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है। मिल गया पापा, उसी को लेकर तो वापस आ रही हूँ। अच्छा कौन है भाई वो? पापा आप उसे जानते हो। यस, कहीं वो देव तो नहीं? और कौन हो सकता है पापा, शीतल के लिए तो देव एंड ओनली देव। ओ तो वो देव ही है। पापा आई एम गोना सी यू द नेक्स्ट 8 आवर्स, ओके? प्लीज बी एट द एयरपोर्ट टू सी मी, नाउ आई एम गोना किस यू एंड आई एम गोना मिस। देव, शीतल कहाँ हो तुम, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। पापा से बात कर रही थी, वो तुमसे मिलने एयरपोर्ट आ रहे हैं। मुझसे? हाँ पापा तुमसे। लेकिन देव एक बात सुनो, जब तुम पापा से मिलोगे ना ठीक तरह से पेश आना, नो एटीट्यूड एंड नो एरोगेंस, वरना पापा को अच्छा नहीं लगेगा। ओके नाउ लेट्स गो, लेट्स चेक इन, कम ऑन देव। पापा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातल में है। आइए 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 दुल्हन बेगम, आइए आइए ना।